पहले आपको सबको राम राम। हमारे साथ हमारे रामानंद जी हैं, निरानिया साहब, संतलाल जी हैं, दलीप जी हैं, राम प्रताप जी हैं, गंगाराम जी हैं। एक 22 मई को कैथल के अंदर पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन हो रहे जा रहे है, उसकी तैयारी के लिए आज हम यहाँ पर सरसा के अंदर आए हैं। इनकी जिम्मेवार लगाएंगे कि आप भी भाई कैथल के अंदर नई नाज मंडी रेलवे स्टेशन के पास 11 बजे आप कैथल पहुँचो, उसके लिए हम यहाँ पर आए। ये देखो, पिछड़े वर्ग की कई साल से हमारी डिमांड है सरकार से कि 5-7 मुद्दे हैं पिछड़ा वर्ग के, उनको लेकर हम जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं कि जैसे किसानों के संगठन हैं अलग अलग, उसी प्रकार से हमारे बैकवर्ड के भी कई संगठन हैं। और आज से 2 साल पहले मेरे से कई संगठन मिले थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि देखो सरकार हमारी बात को सुन नहीं रही, 5-7 मुद्दे हैं जैसे कि क्रिमिलेयर का है, जातीय जनगणना का है, क्लास 1-2 में नौकरियों का है पूरा 27% आरक्षण का, और हमारा बैकलॉग का है, और जैसे कि बैकवर्ड के साथियों को, बच्चों को, जो हमारी सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 50 रुपये से लेकर 600 रुपये तक वजीफा देने का काम किया था, एक वो मुद्दा है, इन्होंने लगभग ख़त्म कर दिया। एक जैसे कि हमारी सरकार में 3,92,000 प्लाट SC BC भाइयों को दिए थे, वो भी इन्होंने स्कीम बिल्कुल बंद कर दी। इस तरह एक जैसे कि आजकल CTET का मुद्दा है बच्चों का, सभी प्रभावित है इसके अंदर। और जैसे कि माटी कला बोर्ड का गठन किया था हमारी सरकार में हुड्डा साहब ने, और उसका चेयरमैन ही बनाया था और काम शुरू भी हो गया था, परंतु इन्होंने लगभग बंद कर दिया वो भी, ना आज को चेयरमैन है ना कोई मेंबर है। कैश कला बोर्ड का गठन भी किया था नाई समाज का, वो भी बंद कर दिया बिल्कुल 9 साल से। इसी तरह एक सुनार समाज है हमारा, सोनी समाज, उनको ऊपर जैसे कोई उनको कोई जैसे कि सोना आपके घर का दे गया और खुदा न खास्ता वो चोरी का है, अब उस सोनी भाई को क्या पता क्या है, अगर वो खरीद लेता तो सबसे ज़्यादा हरासमेंट हमारा वो सोनी समाज की होती है, ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। चोर को कुछ नहीं कहते, चोर को छोड़ देते हैं, भले ये सोनी है ये कि मैं इसके पास पैसा है, तो पुलिस वाले इसके हरासमेंट करते, 411 का मुकदमा दर्ज कर देते, एक ये ही बड़ा मुद्दा है। तो इस तरह बहुत सारे मुद्दे हमारे पिछड़ा वर्ग के, तो इन मुद्दों को लेकर हम चल रहे हैं। तो ये जो संगठन मिले थे, हमने इनको बताया था कि भाई देखो ये सरकार वैसे कुछ देने वाली नहीं है, कोई भी समाज धरना देता है प्रदर्शन करता है तब ये सरकार देती है, तो पिछड़ा वर्ग के साथ ही धरना देने में असमर्थ है, क्यों रोज़ ये बैठ नहीं सकते, क्यों छोटे छोटे जमींदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे कर्मचारी हैं, तो इसलिए ताज़ा कमाते हैं ताज़ा खाते हैं। तो इसलिए हमने फैसला किया था कि हम पूरे हरियाणा के अंदर जिला वाइज प्रोग्राम करेंगे सम्मेलन, ताकि सरकार तक हम पहुँचाएँगे। ये जो BJP की सरकार है इसको बनाने में अहम रोल बैकवर्ड का है, क्यों 55% आबादी कम से कम भी बैकवर्ड की है, तो बैकवर्ड ने वोट दिए तो सरकार बनी थी, तो आज बैकवर्ड ही पिछड़ा वर्ग ही इनसे नाराज है। तो इसलिए हमने 3 सम्मेलन पहले करे हैं, पहले फतेहाबाद किया था आज से 1 साल पहले 22 मई को, फिर हमने जुलाई के अंदर हमने सोनीपत के अंदर किया था, और दिसंबर के अंदर हमने फिर भिवानी किया था, बहुत बड़ी रैली बन गई थी, अब ये 22 मई को हम यहाँ पर कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक बात पहुँचाना चाहता हूँ, हम दिसंबर तक इंतजार करेंगे सरकार का, दिसंबर के बाद में अगर दिसंबर तक नहीं सरकार ने हमारी बात को नहीं माना, तो ये जो सम्मेलन कर रहे हैं हम बिना पार्टी का सम्मेलन कर रहे हैं, ना कोई किसी पार्टी का झंडा है ना कोई डंडा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सभी पार्टियों के लोग आते हैं हमारी बात को सुनते हैं, आपकी बात को भी रखते हैं मंच के माध्यम से। तो अगर दिसंबर तक हमारी बात को नहीं माना, तो हम फिर दिसंबर के अंदर हरियाणा की सबसे बड़ी रैली हम फिर हिसार के अंदर करेंगे, और वहाँ पर हम फिर विपक्ष के साथ विपक्ष को बुलाएंगे, क्यों सरकार की दम बाट देख लेंगे, क्यों 9.5 साल हो जाएंगे, बस 6 महीने बचेंगे, अगर 9.5 साल में सरकार नहीं मानती तो फिर 6 महीने हम उनका इंतजार नहीं करेंगे, फिर हम विपक्ष को बुलाएंगे, विपक्ष का आगे हम फिर हमारी बात रखेंगे, वे कल न आप मुख्यमंत्री बनते हो, आपकी सरकार आती है तो आप ये हमारी बातें बताओ, तो ये हमारा मुद्दा। आज पहलवान बैठे हैं, नहीं पहलवान बैठे हैं, बड़ी शर्म की बात है, दिल्ली के अंदर बैठे हैं, और जो हमारे खेल मंत्री हरियाणा के हैं उनके ऊपर भी एक बात, वह हमारी महिला बहन थी, उसने भी आरोप क्या लगाए थे, बात सच्ची है,
परंतु इस सरकार के जो भी बीजेपी का साथी के साथ कोई आरोप लग जाए तो ये कुछ कार्रवाई नहीं करते। अगर छोटी भी बात भी अगर कोई विपक्ष के साथी के सामने लग जाए तो मुकदमा दर्ज रात को कर देंगे, मुकदमा भी दर्ज करते हैं और उसको गिरफ्तार भी करते हैं। और आज देख लो कितने महीने हो गए, एक महिला हमारी जो कि देश का गौरव है खिलाड़ी, एक जब कोई अब कोई खेल के अंदर को पदक लाता है तब तो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी बात करते हैं और ये कहते हैं कि देश का नाम किया है। और जब कोई उनके साथ अत्याचार हुआ है और वे बैठे धरने पर तो एक जाति का नाम लेते हैं कि तो एक जाति के लोग, एक विशेष जाति के लोग हैं। तो मेरा मानना है कि एक तो फौजी हमारे और एक हमारे खिलाड़ी, कभी जाति के नहीं होते। देखो जब इनकी खुद की बात आती है, जब ये गिरते हैं तो ये सभी चीज़ों को नकार देते हैं, ये कोर्ट को भी नहीं मानते, ये कोर्ट को भी नहीं मानते। भाई देखो मैं तो ये कहता हूँ आपके चैनल का माध्यम से, मीडिया का माध्यम से, सरकार ने तुरंत प्रभाव से जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि मुकदमा दर्ज करो, तुरंत प्रभाव से उसके पद मान लिया, उसने इस्तीफा भी देना चाहिए। अगर वो दोषी नहीं है तो सरकार दोबारा बना देगी, क्या दिक्कत है? परंतु ऐसी बात है नहीं। हरियाणा वाला देखो, खेल मंत्री का देख लो, सारे मुद्दे उठ लिए, ठंडे हो गए बेचारे, क्या करें, बड़ा करड़ा काम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ झूठा है इनका, सब नारे झूठे हैं। ना बेटी सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना गरीब सुरक्षित है, क्राइम का बोलबाला है देश में और परदेश में सारी जगह। और जब राजा ही अगर ये गलत काम करेगा तो आम आदमी का फिर क्या होगा, कोई सुरक्षित नहीं है। क्राइम में हरियाणा प्रदेश सबसे ऊपर चल रहा है, हुड्डा साहब के समय में बदमाशी ख़त्म कर दी थी हुड्डा साहब ने कांग्रेस पार्टी का राज में, और विकास में भी एक नंबर पर था हरियाणा प्रदेश, आज 14वें स्थान पर है। हाँ जी, इस सम्मेलन में समाज के हमारे जो बैकवर्ड के साथी हैं सभी आएंगे, अलग अलग पार्टी से। हाँ हाँ, किसी पार्टी पार्टी था ही नहीं, समाज का प्रोग्राम है जी, और सभी को निमंत्रण है चैनल का माध्यम से भी, वैसे भी हम निमंत्रण देते हैं सारे। पूछो भाई, जितने जितने सर वहाँ पर इकट्ठे होंगे उतनी सरदर्दी होगी। मैं समाज के साथियों को बताता हूँ कि दिल्ली बॉर्डर के ऊपर 13 महीने किसान बैठे रहे थे, अगर लाखों किसान वहाँ पर नहीं होते तो हमारा प्रधानमंत्री मारने वाला नहीं था। वहाँ पर लाखों किसान बैठे और 750 से ऊपर किसान शहीद हुए, तब जाके प्रधानमंत्री ने बात को माना। तो हम यही समाज के साथियों कहते हैं, जितने ज़्यादा इकट्ठे होंगे उतनी ज़्यादा सरदर्दी सरकार को भी होगी और हमारी बात को माने भी।